पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रबुद्ध जनों से संवाद किया। इस दौरान बहनों व भांजे भांजियों ने मामा शिवराज को 10-10 रुपए आशीर्वाद के रूप में दिए। शिवराज ने कहा कि ये मेरे लिए अरबों की दौलत है। पूर्व सीएम और विदिशा से लोकसभा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने कन्नौज में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सहभागिता की और बहनों से संवाद करते हुए कहा कि बहन बेटियों के 10-10 रुपए मेरे लिए अरबों की दौलत के बराबर हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने बचपन में देखा था कि बहनों की जिंदगी में कितने दुख और तकलीफ रहती है, बेटा बेटी में भेदभाव किया जाता था, इसलिए मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, फिर कन्या विवाह योजना और फिर लाडली बहना योजना शुरू की और आज इस योजना ने बहनों की जिंदगी बदल दी। मैंने इनसे प्रार्थना की कि मैं तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा, लेकिन आज रुपया मेरा यह संकल्प है कि इन बेटे और बेटियों की जिंदगी को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा, बेहतर से बेहतर बने। उसके लिए जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं प्रयास करूंगा। इतना भाग्यशाली हूं मैं, इसलिए ये बच्चे प्यार करते हैं। हमारा मामा, मेरा मामा, भगवान जी ने मुझे धन्य कर दिया, धन्य कर दिया। ये संबंध नेता के नहीं है। अभी मेरे छोटे भाई आशीष, आपको विकास के कामों के बारे में बता रहे, रमाकांत जी बैठे हैं, रमकांत जी हैं, तपन जी हैं, ये सभा राजनीतिक नहीं है, ये मेरे परिवार की सभा है, मेरी बहन और मेरे भाई। वन विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में जहां भी शिवराज सिंह चले जाएं, बच्चे मामा मामा करते हुए उनके पास आ जाते हैं, बहनें अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए दौड़ पड़ती हैं। आज शिवराज विदिशा क्षेत्र की धरती पर जनादेश का आशीर्वाद लेने के लिए निकले हैं और जनता उनके साथ है। इसको देखकर ऐसा लगे कि ये मेरा सगा भाई है, इसको देखकर ऐसा लगे कि ये मेरा बेटा है, इसको देखकर बच्चे को लगे कि ये मेरे मामा है, और जिसने सगे भाई से बड़ा फर्ज निभाया हो वो शिवराज जी आज विदिशा की जनता से जनादेश पाने के लिए निकले। वो विदिशा सीट जिसको गौरवान्वित किया दीदी सुषमा स्वराज जी ने, वो विदिशा की सीट जिसको गौरवान्वित किया भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और उस विदिशा की सीट पर रमाकांत जी भार्गव के बाद आज शिवराज सिंह चौहान जी आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए निकले हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।